राजधानी में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान को लेकर कहा कि श्रद्धेय नेताजी का जो जीवन संघर्ष रहा है, किसानों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति जो सतत संघर्ष रहा है, वह अतुलनीय है। और नेताजी को हम सभी समाजवादियों की और देश के जो भी लोग समाजवादी और प्रगतिशील समाज के लोग हैं, वह सभी चाहते हैं कि नेताजी को भारत रत्न मिले। बीजेपी का कोई एजेंडा, उसके हर एजेंडे का तोड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की विचारधारा है। और एजेंडा उत्तर प्रदेश के और साथ साथ पूरे देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार समझ रहा है। ये देश के आम घर से निकला हुआ नौजवान जो देश के सरहदों की सुरक्षा करता था, उसके 17 साल के कार्य अवधि को इस देश की सरकार ने 4 साल कर दिया। और अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह जी के कार्य अवधि को जो 3 साल की होती है, देश की सरकार ने 7 साल कर दिया। तो ये सब सवाल है और देश का जो नौजवान है वो जान रहा है।